गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पैरामीट्रिक के क्वेश्चन का। हमने जैसे कल बात की थी कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन क्या होती है कि जब एक्स और वाई एक दूसरे से सीधे संबंधित नहीं होते हैं बल्कि तीसरे चर से संबंधित होते हैं, जैसे एक्स रिलेटेड है थीटा से और वाई भी रिलेटेड है थीटा से। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने कल भी बताया था और देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब करेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a cos tan है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा प्लस यहाँ पर थीटा फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन मान के करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा आ जाएगा और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन होगा, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है वन। इस प्रकार से देखिए यहां पर आपको माइनस साइन थीटा मिल गया और इधर आपको प्लस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास बचा कितना डीएक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। इसी प्रकार से आपके पास दूसरा क्या दे रखा है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका भी जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा डीवाई अपॉन डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर रहेगा, इस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहां पर हम फिर से थीटा कॉस थीटा है ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की तरह करेंगे तो देखिए जरा यहां पर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहां पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा और बाहर एक माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इसलिए ये प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहां पर प्लस आता है लेकिन ये बाहर से माइनस चल रहा है इसलिए प्लस माइनस का माइनस। सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज वन, यहां पर भी देखिए ये कॉस थीटा प्लस का ये कॉस थीटा माइनस का तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा इक्वेशन नंबर टू। अब यहां ध्यान दीजिए आपको डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है, डीवाई अपॉन डीएक्स कैसे निकालेंगे ये बराबर होगा डी वाई अपॉन डी थीटा और डीएक्स अपॉन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो डी अपॉन डीएक्स ही बचेगा। तो डीवाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से लाइए तो डीवाई अपॉन डी थीटा से इक्वेशन नंबर टू से देखो इसका वैल्यू कितना है ए थीटा साइन थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा रख दिया। और डीएक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू कहां से लाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डीएक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है ए थीटा कॉस थीटा, तो ये रख दिया हमारे यहाँ पर ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल थीटा से थीटा कैंसिल, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो बचा वो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वो आएगा टेन थीटा।